कम वोट देने वाले बूथों के लिए सपा बनाएगी नई रणनीति, सड़क से सदन तक करेगी संघर्ष। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को 2024 चुनाव जीतने के संकल्प के साथ खत्म हो गई। जिन बूथों पर अभी तक पार्टी को कम वोट मिलते रहे हैं वहां पैठ बढ़ाई जाएगी। इसके लिए त्रिस्तरीय रणनीति होगी, हर माह कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाएगा। पार्टी भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं आमजन के उत्पीड़न को मुद्दा बनाते हुए निरंतर जनता के बीच में रहेगी। पार्टी के सभी विधायक और पदाधिकारी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए क्षेत्रवार अभियान चलाएंगे। बैठक को रविवार दोपहर संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के संकल्प को दोहराया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि भाजपा को केंद्रीय सत्ता से बेदखल करने का मादा उत्तर प्रदेश रखता है। यदि उत्तर प्रदेश में सपा ने भाजपा को मात दी तो इसका सीधा असर केंद्र पर पड़ेगा। अन्य क्षेत्रीय दल भी सपा की ओर देख रहे हैं, ऐसे में पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा है। कोलकाता से लौटते ही सभी पदाधिकारी 2024 चुनाव जीतने के लिए तत्पर हो जाएंगे। विधानसभा क्षेत्रवार कम वोट देने वाले बूथों को चिन्हित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रवार कम वोट देने वाले बूथों को चिन्हित किया जाएगा। इन बूथों के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी बनेगी। यह कमेटी निरंतर मतदाताओं के बीच रहेगी। समय समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इन बूथों पर पहुंचकर लोगों की समस्या सुनेंगे। इस तरह जाति जनगणना संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी, एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न को मुद्दा बनाते हुए निरंतर जन जागरण किया जाएगा। पार्टी ने यह भी तय किया है कि सिर्फ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के बजाय तहसील और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय समस्याओं को लेकर संघर्ष किया जाएगा। जनहित के मुद्दों पर सरकार की नीतियों की मुखालपत करते हुए अपनी बात रखी जाएगी। सपा शासन काल में हुए कार्यों के साथ विभिन्न समुदायों के लिए बनाई गई नीतियों का निरंतर बखान किया जाएगा। पार्टी ने संकल्प लिया है कि एकजुटता बढ़ाई जाएगी। पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिसे लोकसभा में उतारेगा उसके विरोध में उतरने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐन मौके पर दूसरे दलों से गलबहियां करने वालों को भी चिन्हित किया जाएगा। कार्यकारिणी में यह भी तय किया गया कि सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए भविष्य में होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया जाएगा। खासतौर से मध्य प्रदेश पर फोकस करके वहां सीटें जीती जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। सपा परंपरागत वोट बैंक के साथ दलितों को विशेष तौर पर जोड़ेगी। यही वजह है कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांसीराम का नाम भी बार बार ले रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दलितों को जोड़ने की पुख्ता रणनीति बनाएगी। इसके तहत दलित नेताओं के साथ अन्य जाति के नेताओं को भी दलित बस्तियों में भेजा जाएगा।